हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन बेल पर। इस वीडियो को देखिए एंड तक। आज हम बनाएंगे ब्रेड कटलेट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 10 पीसेस ब्रेड के लिए हैं और मैंने यहाँ पर ली है काली मिर्च, नमक, अदरक का पेस्ट और मैंने चीज़ को ग्रेट करके रखा है और मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल पनीर को ग्रेट करके रखा है। थोड़े से हरे धनिया की पत्तियाँ ली हैं और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गाजर को ग्रेट करके रखा है। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे पनीर, उसके बाद हम इसमें चीज डालेंगे। चीज को हम डाल देंगे। चीज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जैसा भी आप मिर्च खाते हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और हम इसको स्पून की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम एक खाली बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे पानी और हम थोड़े थोड़े पीसेस ब्रेड के इसमें डिप करेंगे और हाथ से दबाकर ब्रेड का हम पानी निकाल देंगे। सभी पीसेस को हमें इसी तरीके से कर लेना है। सभी पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे हाथ से फैला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक का हमें ध्यान रखना है, जैसा भी हम नमक खाते हो कम ज़्यादा उस हिसाब से हमें डालना है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियाँ। उसके बाद हम हाथ की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और एक इसका अच्छा डो तैयार कर लेंगे। अब ब्रेड का डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम हाथ पर पहले ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा हम ब्रेड लेंगे, उसको हम हाथ पर अच्छी तरीके से फैला लेंगे और एक स्पून की हेल्प से हमने जो पनीर और चीज़ का मिक्सचर तैयार किया था वो उसमें डालेंगे और हम इसको धीरे धीरे करके बंद कर देंगे और हम इसे शेप देंगे। मैं इसे यहाँ पर लंबी शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी कटलेट्स को तैयार कर लेंगे। सभी कटलेट्स यहाँ तैयार हो चुके हैं। कढ़ाई को मैंने गर्म करने रख दिया था, अब हम इसमें कटलेट्स डालेंगे। हमें कटलेट्स को थोड़ा थोड़ा ही डालना है और हमें थोड़ी देर बाद इनको पलट कर देखते रहना है। हम मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे। हमारे कटलेट्स का कलर चेंज हो चुका है, अभी हम इसको थोड़ा और सेकेंगे। कटलेट्स हमारे सेक चुके हैं, अब हम इसे एक एक करके किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में या टी टाइम पर खा सकते हैं। थैंक यू।